भैया खाना तो बड़ा कड़क हुआ था और बेधड़क हुआ था। इतना स्वादिष्ट भोजन खाया कि पेट को भी मजा आ गया, मुझे भी मजा आ गया। क्यों बड़े? अरे बात छोटे, ऐसा खाना ना हम अपने यहाँ शादी में खाए थे और उस पहली बार छेना का रसगुल्ला, रसमलाई। और छोटे ये कपड़ा ना हमारे मालिक का है, बताना मत किसी को। तू साला भैंसी लगाने गया तो इसे धड़कन निकाले कपड़ा और भागे वहां से। तू साला आज बारात करने जाने वाला था। तो बड़े ये कपड़ा अपन का कहेगा? ये कपड़ा भी शाम का है, शाम ने शाम को कपड़े धो के फेंका है और सुबह लेके मैं चला गया। अंडरवियर में हमें ढूंढ रहा होगा। तो साला वहां बास काहे मार रहा था भाई? हाँ, लेकिन बड़े कुछ बास आवत है। अरे छोटे, ये भैंसी का गोबर लगा था ना जूते में, वो जल्दबाजी में कहा है ना, हम ध्यान नहीं दिए। कपड़े चुराई भैसनवा के पास जाके और साथ में गोबर भी लेके आई। सच में बड़े अब कहा करे, कंफ्यूजन में थे ना भैया, बहुत बड़े वाले। अच्छा भैया, बात यह है कि ये क्यों इतना गुस्से में खड़ा है? कहा हुआ इसको बताओ ना भैया, क्या बात है? अरे कुछ तो बोल, टूटन क्यों सिलाई है अपना? अब निकाल दो ना लड्डू को बाहर। एक तो तुम लोगों की वजह से हमने बर्तन धोए और साथ में उसके की धुलाई और बचे कुछ पैसे भी छीन लिए। बचबुचा कर आया हूँ बाल बनाते हुए यहाँ पर। है बड़ा, इज्जत तो बच गई ना भाई की। किसी ने देखा तो नहीं पहचान वाले ने? हाँ टेंशन लेट है, चल चाय पिए थे। बड़ा अगला कस्टमर आए रहे ना, चाय पियेंगे। चाय चाय। लगता है तुम लोगों का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब तुम लोग इसको भी उल्लू बनाने वाले हो। मार खाने से बचना चाहते हो और अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो लाओ 200 रुपया। भैया इज्जत बची तो लाखों उपाय, और मार खाने से हम बच पाए।